गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने तीन ऐसे वर्ड्स लेके आया हूं जो मोस्टली हम लोग कंफ्यूज होते हैं। हम लोग ये समझ नहीं पाते कि उन वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हालांकि तीनों वर्ड्स का जो प्रोनंसिएशन है बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके जो इस्तेमाल है, उनका जो मीनिंग है, वो बिल्कुल अलग है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक रहें, उसकी एक एक बात को समझिए, उसके मीनिंग को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए और बोलने की कोशिश करें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसे दोस्तों, वंस वंस वंस, तीनों का चांस सेम है। यही तो इसकी खासियत है, यही तो इसकी पहचान है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहना है और उसकी एक ही बात को समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है, बीच में बिल्कुल नहीं सुना दोस्तों। तो सबसे पहले आपको समझाऊं कि ओ एन सी ई वंस, वंस का मतलब होता है एक बार या एक बार की बात है। इसको हम लोग एक बार भी कह सकते हैं और दूसरा इसका अर्थ है एक बार की बात है। तो पहले हम लोग अर्थ लेते हैं एक बार। एक बार मैं वहां गया था, वंस आई वेंट देयर, ओ एन सी ई, वंस आई वेंट देयर। और आप इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं एक बार कहूंगा, बार बार नहीं, आई विल से वंस, नॉट अगेन एंड अगेन, आई विल से वंस, नॉट अगेन एंड अगेन। अब हम लोग देखते हैं वंस का मतलब एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम भी आपने सुना होगा, हम लोग इसको वंस अपॉन ए टाइम भी कह सकते हैं। कई बार हम लोग वंस से भी चालू करते हैं, कई बार कहानी को शुरू करते समय वंस से चालू किया जाता है। वंस देयर वॉज ए किंग, एक बार की बात है, एक राजा रहता था। वंस वी वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक बार की बात है, हम जंगल से जा रहे थे। तो ये वंस हो गया एक बार की बात है और एक बार के सेंस में। अब हम लोग देखते हैं वंस जिसका स्पेलिंग है ओ एन ई एपोस्ट्रोफी और एस। ये जो वंस है ये पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि अपना अपनी का भी काम करेगा। जब वन सब्जेक्ट होगा तब ये अपना अपनी के सेंस में आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कोई अपना काम कर रहा है। वन इज डूइंग वन्स ड्यूटी, यहां पर हिज ड्यूटी नहीं कहना है, यहां पर वन्स ड्यूटी कहना है। कोई अपना वादा निभाएगा, कोई अपना वादा निभाएगा, तो वन विल फुलफिल वन्स प्रॉमिस। तो जब वन सब्जेक्ट होगा और हमें अपना अपनी कहना है तब हमें लगाना पड़ेगा वन्स, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी और एस। ये टॉपिक था दोस्तों, कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। अब हम लोग लेते हैं वंस, फिर वही प्रोनंसिएशन, लेकिन स्पेलिंग होगी ओ एन ई एस। अब एस आ गया बिना एपोस्ट्रोफी के, इसका मतलब होता है वाले, जैसे मुझे ये वाले पसंद है तो आई लाइक दीज वंस। तुम्हें वो वाले नहीं लेने चाहिए, यू शुड नॉट टेक दोज वंस। मैं अच्छे वाले लूंगा और तुम खराब वाले, आई विल टेक गुड वंस एंड यू विल टेक बैड वंस। तो जब भी हमको वाले वर्ड बोलना है तब हम लोग वंस से काम चला सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा वन का मतलब वाला भी होता है, जैसे यह वाला दिस वन, वह वाला दैट वन, अच्छा वाला गुड वन, खट्टा वाला सॉर वन, मोटा वाला थिक वन या फैट वन। तो इस प्रकार का वाले कहना है, ज्यादा नाउन्स के लिए कहना है तब हम लोग वंस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था वंस, ओ एन सी ई, वंस ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस, और तीसरा था ओ एन ई एस बिना एपोस्ट्रोफी के। ये तीनों वर्ड्स जो थे बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, स्पीकिंग करते समय तो कंफ्यूज होते ही होते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लिखते समय में हमें कंफ्यूजन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना है और बोलने की कोशिश करना है, लिखने की कोशिश करना है। मैं आपको तीन सेंटेंस देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में उसे बना के बताएंगे। हमें एक बार पढ़ना चाहिए, बार बार नहीं। एक बार की बात है, मुझे एक भयंकर सपना आया। एक बार की बात है, मुझे एक भयंकर सपना आया। कोई अपना काम पूरा कर चुका है, कोई अपना काम पूरा कर चुका है। मुझे ताजे वाले चाहिए, मुझे ताजे वाले चाहिए। मैं सड़े वाले नहीं खरीदूंगा,
मैं सड़े वाले नहीं खरीदूंगा। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस है, इसका ट्रांसलेट करें आप, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा टॉपिक आपको समझ में आ गया। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर तो करना ही है करना है दोस्तों। और दोस्तों हैप्पी नवरात्रि, आज से नवरात्रि चालू हो चुकी है और इन 10 दिनों तक मेरी जो ऑनलाइन क्लास रहेगी वो 7:30 से 8:30 रहेगी, क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा झांकी देखने के लिए, डांडिया खेलने के लिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 7:30 से 8:30 तक ऑनलाइन क्लास में आए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।